पहुंच गई तो जितनी प्रॉपर्टी गलत ढंग से हथियाई गई थी वो सारी प्रॉपर्टी ओरिजिनल ओनर को वापस मिलेगी, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। जो लोग 1500 साल पहले की जगह को क्लेम कर रहे हैं वो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के सिखाए हुए लोग हैं। ऐसा करो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, हमारे यहाँ 15 साल पहले वो था ही नहीं, तो हम क्लेम कैसे कर देंगे? ये तो इन्हीं के लोग हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आरोप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट दोस्तों, आज की डिबेट में हम देखेंगे कि वक्फ बोर्ड के पास देश की कितनी संपत्ति है और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल क्या है, वक्फ संशोधन बिल का मुस्लिम संगठन क्यों विरोध कर रहे हैं, इसके पीछे मुस्लिम सरमायादारों का क्या कहना है। इस पर देश में सवाल पूछा जा रहा है कि सेकुलर देश में वक्फ क्यों, वक्फ कानून में सुधार सही या गलत, इसी को लेकर न्यूज इंडिया पर यह बहस चल रही है। जब से सरकार वक्फ संशोधन बिल लाई है तब से देश में ये चर्चा जोरों पर है कि आखिर यह वक्फ है क्या, इसका क्या काम है और इस बोर्ड के पास इतनी संपत्ति कैसे और कहां से आई, क्या वक्फ बोर्ड के नाम पर दूसरों की जमीनों पर अनैतिक तौर से कब्जा किया जा रहा है। तो बताते हैं आपको क्या है वक्फ बोर्ड और उसकी सच्चाई। वक्फ बोर्ड भारत में एक महत्वपूर्ण संगठन है जो मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों से जुड़े मामलों में कार्य करता है। वक्फ बोर्ड का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं की देखभाल और प्रबंधन करना है। इसके कुछ मुख्य कार्य इस प्रकार है: मुस्लिम धर्मस्थलों की देखभाल और प्रबंधन, मुस्लिम शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन, मुस्लिम समुदाय के लिए सामाजिक और आर्थिक विकास कार्यक्रमों का संचालन, मुस्लिम समुदाय के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन, वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और संरक्षण। वक्फ बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा वक्फ एक्ट 1954 के तहत की गई थी। ये बोर्ड राज्य स्तर पर कार्य करता है और इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। लेकिन अब वक्फ बोर्ड पर सवाल उठने लग गए हैं कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर अपना अधिकार जमाते हुए दावा कर देता है, इसके कई उदाहरण देखने को मिले हैं। इसीलिए सरकार वक्फ अधिनियम बिल को लेकर आ रही है। डिबेट में इन्हीं सवालों को शहजाद पूनावाला और विष्णु शंकर जैन ने उठाया, जिस पर मुस्लिम स्कॉलर भड़क गए और बोलने लगे कि कागज दिखाओ अगर कुछ ऐसा हुआ है तो। उल्टे मुस्लिम स्कॉलर्स ने ही दावा ठोक दिया कि सरकार ने वक्फ बोर्ड की कई बीघा जमीन अपने कब्जे में ले रखी है, सरकार या तो हमें वापस करें या फिर इसका किराया दे। वक्फ बोर्ड के इन्हीं विषय को लेकर यह बहस चल रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शहजाद पूनावाला और वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन, समाजवादी के प्रवक्ता और मुस्लिम स्कॉलर्स डिबेट में भाग ले रहे थे। डिबेट में विष्णु शंकर जैन और शहजाद पूनावाला ने समाजवादी पार्टी और मुस्लिम स्कॉलर्स की डिबेट में बुरी तरीके से धोखे रख दिया। तो देखते हैं कि वक्फ बोर्ड के पक्ष और विपक्ष में क्या कहा गया। तो शुरू करते डिबेट। चालू करो बे। भाई साहब, ये 250 बीघे जमीन है, 250 बीघा, और ये केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, अगर इनकी नियत साफ है हमें वापस कर दो। ठीक है, ओके, शहजाद पूनावाला किराया दे दो इसका। ठीक है, ओके। इसका कम से कम किराया दे दो। किराया वसूलिया किराया अभी देंगे या शो के बाद? देखिए ऐसा है कि पहले तो मैंने बोला था 9 लाख प्रॉपर्टी नहीं, मैंने बोला 9 लाख एकड़। उन्होंने प्रॉपर्टी वो सही बोल रहे, 3 लाख एक प्रॉपर्टी से 9 लाख प्रॉपर्टी भी हुई है, पर मैंने 9 लाख एकड़ बोला, मतलब साइज भी जो है वो बड़ी है, उसका हिसाब ये है। जी नहीं, प्लीज सर, अब मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मौलाना साहब, मैंने पूरा 9 लाख एकड़ हुआ ही नहीं। अरे भाई, मुझे फेरिश दे दो, भाई पर ये कागज दे दो उसका। देखिए अभी आपने 80 में बोला, अब मेरी बारी है तो मुझे बोलने दीजिए। और मैं आपको बताऊं क्यों नहीं बोलने दिया, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है सबका। मैं जवाब देने को तैयार, जवाब देने को तैयार, जवाब देने को तैयार। ठीक है, कागज चाहिए ना? अभी बोले, अभी बोले, सुनिए, अब सुनिए, अब आप पेपर लेके आए, आप शांत शांत, आप पेपर लेके आए, आपको क्या चाहिए? शायद पेपर लेके, आपको कागज चाहिए? कागज चाहिए ना? सर इन्होंने क्या बोला, इन्हें क्या चाहिए? कागज चाहिए। देखिए देखिए, इंटरेस्टिंग ये है कि जब अपनी बारी होगी तो कागज नहीं दिखाएंगे, अब इन्हें कागज चाहिए। ओके ओके, देखिए, ओके ओके, बोलिए बोलिए, ओके, हम देश की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं सर, ये देश है, हम देश की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, मैं देश की तरफ से बैटिंग कर रहा हूं, मैं तिरंगे के लिए बैटिंग कर रहा हूं। ओके 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 ओके, मुझे लगता है कि आज जो सवाल है वो सिर्फ इतना है कि आप कह रहे हैं कि कागज कहाँ है, कागज कहाँ है? असदुद्दीन ओवैसी ने तो खुद ने पार्लियामेंट में माना है और बाहर माना है। आप दोनों कागज, ये क्या तरीका है? ओवैसी का क्या मतलब है? आप बीच बीच में बोल रहे हो, कौन सी बात है? मुझे डिबेट रोकनी पड़ जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की वेबसाइट है, जितनी वक्फ प्रॉपर्टी आज तक दर्ज हुई है सबका गजट नोटिफिकेशन है और सारी प्रॉपर्टी वहाँ पे दर्ज है, इनको कागज चाहिए वहाँ से ले सकते हैं। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, सुन लीजिए एक मिनट सर, सुन लीजिए। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट भी, अमित जी मैं इनसे डायरेक्ट बात नहीं करता, आपको भेज दूंगा, आप इनको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। उसमें उन्होंने
लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने, हमारे आपके आंकड़े नहीं है। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली बात कह रहा हूं, जो आपने बात बोली डिफेंस और रेलवे के बाद, वफ इज द थर्ड हाईएस्ट लैंड ओनर इन द कंट्री, ये आप और मैं नहीं बोल रहे, ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 2008 में बोला था, और वो जजमेंट भी आपको दे दूंगा, सर को भेज दीजिएगा। ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि हमारा ये इंडिया सेकुलर है, ठीक है, अभी आपने उनसे बोला कि हमें कागज दिखाइए, तो जैसे बाकी सब सभी धर्म के जो जमीन है उन पे सरकार का नियंत्रण है, तो इस पे क्यों नहीं होना चाहिए? आप लोग इसमें डर क्यों रहे? अगर आप सही हैं तो आप इसके सपोर्ट में खड़े हुए हैं ना, आप इसके खिलाफ क्यों है? मेरा क्वेश्चन यही है। वक्फ बोर्ड सरकार के ही अधीन आता है, उसी की बॉडी बनती है, सरकार का ही चेयरमैन होता है, उसी के मेंबर्स होते हैं। हम तो मुसलमानों की बात, सर मुसलमानों की बात करनी है ना, तो मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं। सर वक्फ बोर्ड में एक भी महिलाएं क्यों नहीं है? सर बिल में महिलाएं स्टेट से दो महिलाएं और सेंटर में उन्हें अधिकार है बोलने का, ये बोले कि नहीं बोले? बोले, बोलने का अधिकार है, बोलने मुझे मेरा अधिकार है, मुझे बोलने दीजिए। एक सेकंड दो सर, क्या ये जैसे दो महिला मेंबर है, जैसे शहजाद पूनावाला पूरा देश रिप्रेजेंट नहीं करते, वैसे क्या दो महिलाएं सिर्फ मुसलमान औरतों को करती है रिप्रेजेंट? राजकुमार भाटी, एक सवाल है कि वैसे तो आपको मुल्क सेकुलर चाहिए, लेकिन सेकुलर देश में वक्फ क्यों? नहीं, मैं जो बहन सवाल पूछ रही है, मैं नहीं कह रहा, हमारा संविधान कहता है, हम भारत के लोग, भारत को एक सर्वप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए हमारा संविधान यहीं शुरू होता है, ये देश पंथ निरपेक्ष देश है। दूसरी बात, मैंने ये नहीं कहा केवल वक्फ बोर्ड से ही सेकुलर हो जाएगा, सभी अल्पसंख्यक धर्मों को, मैंने बोला था सभी अल्पसंख्यकों को अपने धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन करने, अपनी संपत्ति की देखभाल करने का अधिकार है। मेरा प्रश्न है कि सेकुलर देश में वक्फ क्यों? लेकिन इस चर्चा में मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। इस चर्चा में भाई शहजाद पूनावाला ने एक बहुत अच्छी बात कही है, वो गुम गई, उसमें सुनी नहीं ठीक से। उन्होंने कहा 15 अस्पतालों के नाम बता दो, मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। हमारी धार्मिक संस्थाओं को, चाहे किसी भी धर्म की हो, बच्चों के लिए स्कूल खोलने चाहिए, अस्पताल खोलने चाहिए, जनता की सेवा के लिए काम करना चाहिए। इस मामले में किसी को बुरा लगे, लेकिन सच्चाई ये है, हमारे सिख भाई और ईसाई इस मामले में हमसे बहुत आगे हैं, हिंदुओं से भी और मुसलमानों से भी। वो ऐसी ऐसी संस्थाएं चलाते हैं जिनमें फ्री इलाज करते हैं और फ्री बच्चों को शिक्षा देते हैं, हॉस्टल में रखते हैं। ना तो हमारे हिंदुओं की ऐसी संस्थाएं दिखाई देती हैं, ना मुस्लिम समाज के, कुछ मदरसे हैं, लेकिन अच्छी स्टैंडर्ड की संस्थाएं खुलनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। इनको हिंदुओं में ऐसी चीज नहीं। हमारे आखिरी बात, मैं आलोचना के लिए या नाराज करने के लिए नहीं, हिंदुओं को जगाने के लिए कह रहा हूँ ये बात। हमारे एक एक मंदिर के पास इतनी प्रॉपर्टी है कि ये मंदिर यूनिवर्सिटी चला सकते हैं, एम्स चला सकते हैं, इस तरफ ध्यान देना चाहिए। एक वाक्य, ठीक है ठीक है, आपको बता दूं कि केवल हिंदुओं के धार्मिक संस्थान हैं जिससे टैक्स सरकार वसूलती है, और कोई चर्च नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है जिससे कि सरकार टैक्स लेती है, और हिंदुओं के टैक्स से। सुन लीजिए, अब ये पूरा मामला चल रहा है ना तिरुपति का, इसके लिए हम एक सेकंड के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं। मोदी सरकार का विरोध करते हैं, बोलता हूं ये विषय, मोदी सरकार अगर ऐसा करती है तो हम विरोध करते हैं। ओके ठीक है, मोदी सरकार ऐसा करती है, हम मोदी सरकार का विरोध करते हैं। राज्य सरकारें लगाती है टैक्स, हर जगह मोदी की सरकार है क्या? तमिलनाडु मोदी की सरकार है क्या? आ जाएगी तो आपके मुंह में गुजेगी शक्कर। चलिए सुनिए, अब मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि भाई हिंदुओं के संस्थानों पर, अभी तिरुमला का मामला चल रहा है, हिंदुओं के संस्थानों पर जो टैक्स लगता है वो संस्थान भी हॉस्पिटल चलाते हैं, और जो टैक्स लेते हैं वो टैक्स है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए सरकार हॉस्पिटल बनाती है, हिंदू दुगना टैक्स देता है फिर भी ये हिंदुओं के पीछे पड़े। और आखिरी बात, मुझे शिकायत वक्फ बोर्ड से भी इतनी नहीं है, सुन लीजिए, ये तो निशिकांत दुबे ने बोला, हाँ मैं सबके बारे में जवाब देता हूँ। ये तो वो वाले हैं कि जो अपने कागज दिखा नहीं सकते, दूसरों से जवाब मांगते, अपने जवाब नहीं दे सकते। अब सुन लीजिए, मेरी बात केवल इतनी है, हाँ तो दिखा दीजिए 15 हॉस्पिटल जो वक्त की जमीन पर चलते हैं, 15 हॉस्पिटल दिखा दीजिए, 15 हॉस्पिटल, 1 2 3 4 5 7। जिस दिन आप 9 लाख एकड़ के कागज दे देंगे उसी दिन दे दो, जिस दिन ना आ जाना, जिस दिन पे चले आइए, उसी दिन दे दो। इनके पास है 9 लाख हॉस्पिटल के नाम है, इनके पास 9 लाख एकड़ के हैं, आपके 15 के नहीं है, इनके पास है, आप दे दो, नहीं आपके पास, चलो आप इनकी वकालत कर रहे हैं, आप दे दो, मैं कह रहा हूं आप दे दो, अच्छा आप दे दो 9 लाख एकड़, मैं 15 नहीं 20 के दूंगा। चलिए वैसे 10 मतलब समझ लीजिए, मतलब समझ जुड़े अस्पतालों के नाम भी बता रहे हैं आप, केवल एक चीज कह रहा हूं कि बाकी सब छोड़ दीजिए, असली मुद्दे पर तो हम आज डिबेट ही नहीं कर रहे। दिल्ली में वक्फ बोर्ड कहता है कि ये जमीन मेरी है, जो गलत निकलता है कोर्ट में, पर दूसरी जो खतरनाक चीज वो बोलता है मैं रानी लक्ष्मीबाई की स्टैचू नहीं आने दूंगा, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन बोलता है स्टैचू मत आने दीजिए, वो स्टैचू आ जाएगा तो कानून, वो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ऐसा बयान है। एक सेकंड यार, अभी ये तरीका खलर, फिर से वो इंटरप्ट कर रहा है। ओके वक्फ बोर्ड से मोहम्मद नाम के जो उनके अधिकारी है, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन को, और माइनॉरिटी कमीशन ने फिर उनके रिप्रेजेंटेशन पे ऑर्डर पारित किया कि महारानी झांसी रानी लक्ष्मीबाई का स्टैच्यू अगर शाही ईदगाह पार्क में लगाया गया तो इससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा होगी, और हाई कोर्ट ने बोला ये सांप्रदायिक सोच है, कल का फैसला है, मौलाना कान खोल के सुन लो, आपके कान बंद है, आपके कान बंद है, रानी लक्ष्मीबाई का विरोध होगा इस देश में, रानी लक्ष्मीबाई का विरोध होगा, राष्ट्रीय धरोहर है रानी लक्ष्मीबाई, और महानायक है रानी लक्ष्मीबाई। विष्णु शंकर जैन और तस्लीम रमानी, शांत शांत शांत, देखिए ये चर्चा व्यापक है। विष्णु शंकर जैन जो एक बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बात बोली, वो बात में
कितना दम आपको दिखाई देता है, वो कहते हैं कि फॉरेन इंटरफेरेंस का प्रयास हो रहा है, एक ही तरह की चिट्ठियां, मतलब उनका एग्जैक्ट कंटेंट सेम है और एक ही तरह की चिट्ठियां लगभग आ रही हैं, हमने वो तख्तियां भी देखी हैं जिसमें कहा जा रहा है कि वक्फ एक्ट का विरोध करिए। ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत व्यापक विषय है और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पिछले इतने सालों से वक्फ के ऊपर कभी स्टडी नहीं हुई और ये हमारी भी कमी है कि स्टडी ना होने पर एक तरह की चिट्ठियां क्यों कैसे, बिल्कुल ये क्यूआर कोड जनरेट करके ये पूरा जो जेपीसी है उसको डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है और इस देश की पार्लियामेंट जो लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज कर रही है उन्हें पता है कि अगर ये लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज अपने अंतिम चरण तक पहुंच गई तो जितनी प्रॉपर्टी गलत ढंग से हथियाई गई थी वो सारी प्रॉपर्टी ओरिजिनल ओनर को वापस मिलेगी, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। मेरा निवेदन यह है कि ऐसा विशेष कानून जो वक्फ नाम का कानून है यह किसी और धर्म के लिए हमारे देश में है या फिर दुनिया में किसी किसी इस्लामिक मुल्क में भी ऐसा कानून है, अगर है तो जरूर आप अच्छा, इन दर्शकों के साथ मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अभी एक बात चल के आई थी, 1500 साल पहले पुराना मंदिर और 1500 साल पुराना गांव। अब मुझसे सुनिए, शहजाद ने एक बात जिक्र की, मैं अप्रिशिएट करता हूं उस बात को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो 1400 साल पहले आए करीब और ये वक्फ का जो मामला है ये उसके बाद शुरू हुआ, उसके पहले नहीं था। जो लोग 1500 साल पहले की जगह को क्लेम कर रहे हैं वो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के सिखाए हुए लोग हैं कि ऐसा करो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। हमारे यहाँ वक्त तसव्वुर ही नहीं था, हमारे यहाँ वक्त था ही 1500 साल पहले, हमारे यहाँ 1500 साल पहले वक्त था ही नहीं, तो हम क्लेम कैसे कर देंगे? ये तो इन्हीं के लोग हैं। अब मुझे जवाब, अब कह रहे मस्जिद से आवाज, अब आपको बकायदा 3 मिनट मिले बोलने के लिए। ओके, अब आपका 1 मिनट है। इन्होंने बोला कि 1500 साल पुराना वाला जो किस्सा है ये तो भाजपा के लोगों ने करवाया, तो बताइए उसके लिए लड़ झगड़ क्यों रहे हैं? वहां पर तो तुरंत डीएमके की सरकार है, हमारी सरकार भी नहीं है, उनको तुरंत डिक्लेयर कर देना चाहिए कि वो गलत हो गया, पर वहां पर वो वक्त का क्लेम उसको जायज सहलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो बोले डीएमके की सरकार क्यों नहीं करती है? कांग्रेस डीएमके की सरकार है, डीएमके की सरकार में आपके शो में कह रहा हूं, समय पर डीएमके सरकार गलत कर रही है। मौलाना कभी तो बोलिए ना, अरे भाई अपने समय पर कभी तो बोलिए ना। इन्होंने अभी बोला कि वक्फ जो है वो मुसलमान करता है मुसलमानों के लिए, करेक्ट, मुसलमान ही वक्फ कर सकता है ना? पुराने कानून में वक्फ मुसलमान के अलावा नॉन मुस्लिम भी कर सकता था और उसकी प्रॉपर्टी लेते थे। अब बताइए वो इस्लामिक था, गैर इस्लामिक था? इस्लामिक था, गैर इस्लामिक था? अब नॉन मुस्लिम भी वक्फ कर सकता है, बताइए ये तरीका है? कैसी बातें कर रहे हो आप? बिल्कुल गलत, आप उधर रहिए अपनी जगह पे, कौन से हिंदू ने वक्फ किया है और उसके पेपर कहाँ है वो मुझे दे दीजिए। मेरे भाई से पूछा था कि भैया कागज दिखा दीजिए, कोई से पेपर नहीं इनके पास। जस्टिस गुलाम मोहम्मद का जजमेंट है, मैंने आपको सामने रखी ये कागज है, जस्टिस गुलाम मोहम्मद का जजमेंट है, मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया, आप इनको भेज दीजिएगा। अब पैराग्राफ 30 एक मुझे पोस्टमैन क्यों बना रहे हैं? आप सब जी अब पता नहीं क्या क्या बोल देंगे। पैराग्राफ 30 पढ़ के सुना दे रहा हूं और सुन लीजिए से। द इंस्टीट्यूशन ऑफ वक्फ इन इंडिया इज अबाउट 1000 years old. Huge extents of land have been dedicated as waqf by Muslim rulers and the ruled alike for religious and charitable purpose. The approximate number of registered waqf properties in India is stated to be 3 lakhs and account for 4 lakh acres of land throughout the country, and this makes waqf the third largest land owner after the railway and defense. The administration of waqf has been subject to Andhra Pradesh High Court Justice Gulam Mohammad 2008 आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। मिलता हूं फिर किसी नए डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।